हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है अनरिक्वेस्टेड लव का 11th एपिसोड, और अगर अब तक आपने इसके प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे हैं, सो व्हाट यू गाइस आर वेटिंग फॉर, जल्दी से जाइए और पहले इस ड्रामे के प्रीवियस एपिसोड देख लीजिए तो आपको ये ड्रामा देखने में और भी ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। एंड फ्रेंड्स, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना भी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में तो देख ही दिया था कि फाइनली चैन जीबी के साथ तो थी, पर जो कुछ भी एक्सपेक्टेशन जीबी को थी चैन के साथ रिलेशनशिप में रहने के लिए, चैन उसके बिल्कुल अपोजिट कर रही थी और कहीं ना कहीं जीबी को कंट्रोल करने की भी कोशिश कर रही थी। चैन का ये बिहेवियर देखकर जीबी को उसके साथ एकदम घुटन महसूस होने लग जाती है, और फाइनली उसे समझ में आता है कि जिस तरीके का बिहेवियर वो बैली के साथ कर रहा था, आज चैन भी उसके साथ सेम वैसा ही बिहेव कर रही थी। दूसरी तरफ बैली को भले ही वो इन्विटेशन कार्ड चैन ने दिया था इस मोटिव से कि बैली जब चैन को और जीबी को साथ में देखेगी तो उसे बहुत ही ज्यादा जेलसी होगी, लेकिन इसका अपोजिट होता है। बैली बहुत ज्यादा खुश हो जाती है सिर्फ इसीलिए क्योंकि पहली बार वो जीबी का ऑर्गेनाइज किया हुआ शो देखने वाली थी। बट कुछ टाइम बाद बैली को पता चलता है कि शो के एंकर्स यानी कि येन और हुआन के लिए स्क्रिप्ट लाउशी लिख रही है, बट किसी को भी इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। ये सारी बातें सुनने के बाद बैली को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो बैली से बोलती है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं अभी के अभी जीबी के पास जाती हूँ और उसे बोलती हूँ कि वो तुम्हें एंक्रिप्ट करने का मौका दे। तो लाउशी उसे बोलती है कि ऐसा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि मेरा खुद का मन नहीं है एंकरिंग करने का, और वैसे भी शो के गेस्ट की मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, इसलिए मैं उनकी बातें सुनना चाहती हूँ और उन्हें गौर से देखना चाहती हूँ, और अगर मैं एंकरिंग करूंगी तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। दूसरी तरफ सुजिन ऐसे ही घूमते हुए जा रही होती है, तभी उसकी नजर अचानक से पड़ती है लुयांग पे और उसके फियांसे पे, जो कि अपने वेडिंग का फोटोशूट करवा रहे होते हैं। पहले ही सुजिन को लुयांग की फियांसे के बारे में पता चल चुका था। अब ये सारी चीजें देखकर उसे और भी ज्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा जेलसी पे फील होती है, लेकिन किसी तरीके से वो अपने फीलिंग्स को कंट्रोल करती है। भले ही लुयांग अपनी फियांसे से अपनी मजबूरी की वजह से शादी कर रहा था, लेकिन उसकी फियांसे को इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। फोटोशूट करने के दौरान भी उसकी फियांसे बहुत ज्यादा हैप्पी होती है, लेकिन लुयांग पे फेस पे बिल्कुल भी स्माइल नहीं दिखती है। लेकिन सुजिन को तो ऐसा लगता है कि वो दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा खुश है, और यही सारी चीजें देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है, और इसीलिए इन सारी चीजों को के बाद वो जल्दी से मैसेज करती है लाउशी को, और उसके बाद वो उस मैसेज में उसे बताती है कि किस तरीके से उसके भाई ने सुजिन से प्रॉमिस किया था कि वो उससे शादी करेगा, लेकिन अब वो किसी और से शादी कर रहा है, और वो लाउशी से भी शिकायत करती है कि वो उसके मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं करती है। तो जब इसी तरीके से उन दोनों की बातें चल रही होती है, तभी हमें उनके हाई स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर की सुजिन लाउशी के पास आती है और वो उससे बोलती है कि आज पर उनके साथ खेलने के लिए नहीं आई है, इसलिए येन उससे बहुत ज्यादा गुस्सा है। तो लाउशी उसे बोलती है कि मेरा खेलने का मन नहीं था इसलिए मैं नहीं आई। इतने में ही सुजिन उससे बोलती है कि पूरी क्लास तुम्हें एक स्ट्रिक्ट लड़की बोलती है, बिल्कुल सही बोलते हैं वो, तुम एक नंबर की घमंडी लड़की हो। तो लाउशी बड़े ही प्यार से उससे बोलती है कि तुम मेरे साथ नॉवेल्स पढ़ोगी। तो सुजिन उससे बोलती है कि नहीं, मुझे नॉवेल्स पढ़ना पसंद नहीं है इसलिए मैं नहीं पढ़ूंगी। तो लाउशी उससे बोलती है कि तुम्हें नॉवेल्स पढ़ना पसंद नहीं है, तुमने मुझे मना कर दिया, इसलिए क्या मैं भी तुम्हें स्ट्रिक्ट और घमंडी कहूँ? मैं स्ट्रिक्ट और घमंडी नहीं हूँ, बल्कि मैं मुझे खेलना पसंद नहीं है इसलिए मैं तुम लोगों के साथ खेलने नहीं आती हूँ। इसी तरीके से सुजिन उसकी बातें सुनकर बिल्कुल चुप हो जाती है। करंट सिचुएशन को देखकर लाउशी से समझाने की कोशिश करती है कि वो उसके मैसेजेस को इग्नोर नहीं मारती है, बल्कि वो उसके मैसेजेस को हमेशा पढ़ती है और तो उसका रिप्लाई भी करती है। फोटोशूट करवाने के बाद लुयांग की फियांसे जब आराम कर रही होती है, तभी उसका इयररिंग नीचे गिर जाता है। इतने में ही वहाँ पर सुजिन आ जाती है और वो उसका इयररिंग उठाकर उसे जब देने वाली होती है, तभी वो उससे बोलती है कि तुम लुयांग से प्यार करती हो। तो उसकी फियांसे उससे बोलती है कि तुम कौन हो। इसका जवाब ना देते हुए सुजिन उससे बोलती है कि अगर तुम उसे वाकई में प्यार करती हो ना, तो तुम उसे पेंटिंग करने दो, क्योंकि उसे पेंटिंग बहुत ज्यादा पसंद है। अगर उसकी लाइफ में पेंटिंग नहीं होगी ना, तो वो बिल्कुल बेजान हो जाएगा। तभी लुयांग की फियांसे उससे बोलती है कि तुम्हें ये सब सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं लुयांग के साथ काफी टाइम से हूँ, उसके हार्ड टाइम में मैंने उसका साथ दिया है, इसीलिए ये मुझ पर है कि मैं उसे किसी भी तरीके से ट्रीट करूँ। वैसे भी उसका पेंटिंग करने का सपना बस एक सपना ही है, क्योंकि इससे हम ज्यादा पैसा नहीं कमा सकते हैं। उसे अपने पैशन के बारे में नहीं, अब अपने फ्यूचर के बारे में सोचना होगा, क्योंकि उसकी फैमिली होगी बहुत जल्द, और उस फैमिली को वो पेंटिंग की बदौलत नहीं खिला सकता है। तो सुजिन उससे बोलती है कि जो कुछ मैं तुम्हें बोल रही हूँ ये बताना मेरा फर्ज था, बाकी ये तुम पर है। और ऐसे ही कहकर वो उसका इयररिंग लेती है और उसके बाद उस इयररिंग को उसके कान में पहना देती है। सुजिन की बातें सुनकर लुयांग की फियांसे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, फटाफट से वो उन इयररिंग्स को निकाल देती है। इतने में ही लुयांग वहाँ पर आ जाता है और अपनी फियांसे को बिना इयररिंग्स पहने हुए देखकर वो उससे बोलता है कि क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना, तुम्हारी तबीयत तो खराब नहीं हुई? तभी उसकी फियांसे उससे बोलती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लाउशी ने जब से सुजिन की बातें सुनी थी, तब से उसे अपने भाई के लिए और अपने भाई की फियांसे के लिए बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो अपने भाई से मिलने के लिए जाएगी, और इसी तरीके से वो काफी सारा टाइम एक साथ स्पेंड करते हैं।
थोड़ी ही देर में लाउशी अपने भाई से बोलती है कि भैया तुम्हें इतनी अच्छी लड़की मिल गई है, इसलिए जल्दी से तुम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो मैं फटाफट से चैनजिंग से शादी कर लेती। तो उसका भाई लुयांग उससे बोलता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, हम बहुत ही जल्दी शादी करने वाले हैं और मैं भी बहुत ज्यादा लकी हूँ जो मुझे चैनजिंग की जैसी बीवी मिल रही है। लुयांग की बातें सुनने के बाद चैनजिंग उसे बोलती है कि आज से पहले तो तुमने मुझसे कभी भी ऐसी बात नहीं की है। बाय द वे लगता है कि लाउशी ने तुम्हें ये सारी बातें सिखा दी है। उन सभी की बातें कुछ ही दूर से सुजीन सुन रही होती है और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो बोलने लग जाती है कि चैनजिंग सच में बहुत ज्यादा लकी है जो उसे लुयांग जैसा लड़का मिल रहा है। आई विश कि चैनजिंग के सगा मैं होती। थोड़ी देर पे लाउशी उनसे पूछती है कि ऐसा टाइम बहुत ही कम आता जब हम तीनों साथ में बैठकर ब्रेकफास्ट करते हैं, क्यों ना हम तीनों फोटो खींचे। और इसी तरीके से वो फोटो खींचने लग जाते हैं। जैसे ही लाउशी उन दोनों की फोटो खींच रही होती है तभी उसे फोटो में सुजीन दिख जाती है और इतने में ही चैनजिंग भी सुजीन को देख लेती है। सुजीन को दोबारा से देखने के बाद चैनजिंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो लुयांग से बोलती है कि उसे रेस्ट करना है, इसलिए वो यहाँ पर से जा रही है। और ऐसे कहकर वो वहाँ पर से चली जाती है। चैनजिंग का ये बिहेवियर देखकर लाउशी भी वहाँ पर से चली जाती है। जब वो चैनजिंग को ढूंढते हुए जा रही होती है तभी सुजीन उसके सामने आ जाती है और उससे बोलती है कि तुम तो मुझे देखकर सरप्राइज हो गई होगी ना। फालतू की बातें ना करते हुए लाउशी उसे बोलती है कि तुम्हारी प्रायोरिटी अभी टीचर बनना है ना, तो तुम उस पे ध्यान दो, मेरे भाई पे क्यों ध्यान दे रही हो। तो सुजीन उससे बोलते है कि मेरी प्रायोरिटी क्या है और क्या नहीं है ये मुझे अच्छे से पता है, तुम्हें नहीं। बाय द वे जैसे ही तुम कॉलेज वापस जाओगे ना तो मुझसे मिलना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि मुझे तुम्हारे बहुत सारे सीक्रेट्स लोगों को बताने हैं। और इस तरीके से लाउशी को धमकी देने के बाद वो वहाँ पर से चली जाती है। थोड़ी देर में लाउशी फटाफट से चैनजिंग के पास जाती है और उससे बोलती है कि जिस लड़की को तुमने देखा था तुम उस लड़की को जानती हो। तो चैनजिंग उसे घबराते हुए बोलती है कि नहीं मैं उस लड़की को नहीं जानती हूँ। कुछ टाइम बाद सुजीन लुयांग को अकेला देखकर उसके पास चली जाती है और उसके बाद उसे बुक्स देती है जो कि पेंटिंग से रिलेटेड होती है। लुयांग उन बुक्स को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसके सुजीन को उन बुक्स के लिए थैंक यू बोलता है। ज्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए सुजीन वहाँ पर से चली जाती है ये कहकर कि उसे असाइनमेंट से रिलेटेड कुछ जरूरी काम करना है। उसके बाद वहाँ पर लाउशी और चैनजी भी आ जाती है। लाउशी जब अपने भाई लुयांग के साथ जा रही होती है तो उसकी नजर उन बुक्स पर पड़ती है जो कि सुजीन के हाथ पे पहले थी और अब सुजीन ने उस बुक को लुयांग को दे दिया था। ये सब कुछ देखने के बाद भी लाउशी उसे कुछ भी नहीं बोलती है, बट वो समझ जाती है कि कहीं ना कहीं लुयांग का कुछ तो कनेक्शन है सुजीन के साथ। थोड़ी देर बाद जब लाउशी और चैनजिंग साथ में होते हैं तभी चैनजिंग लाउशी को बताती है कि वो सुजीन को जानती है और सुजीन लुयांग को पसंद करती है। कहीं ना कहीं सुजीन को ऐसा लगता है कि लुयांग उसे पसंद करता है और यही बात चैनजिंग को भी लगती है। चैनजिंग को बस इसी बात का डर सता रहा है कहीं लुयांग उसे छोड़कर सुजीन के पास ना चला जाए। और ऐसा कहकर लाउशी के सामने वो रोने लग जाती है। उसे इस तरीके से रोता हुआ देखकर लाउशी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो उसे बोलती है कि उसे अपने भाई पर पूरा भरोसा है, वो उसके साथ कभी भी धोखा नहीं करेगा। और ऐसे कहकर वो उसे गले लगा लेती है। थोड़ी देर में सुजीन लुयांग के लिए ब्रेकफास्ट कराती है और उसे बोलती है कि अगर वो चैनजिंग को पसंद नहीं करता तो वो उसके साथ शादी क्यों कर रहा है, वो पेंटिंग से इतना ज्यादा प्यार करता है और चैनजिंग उसे पेंटिंग करने से मना कर रही है। तो लुयांग उससे बोलता है कि चैनजिंग ने उसके लो टाइम में उसका बहुत ज्यादा साथ दिया था, इसलिए अब वो चैनजिंग का साथ नहीं छोड़ सकता है। लुयांग की बातें सुनकर सुजीन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो वहाँ पर से चली जाती है। दूसरी तरफ हुआन और उसके सारे दोस्त मिलकर बहुत ही फनी वीडियोस बना रहे होते हैं। तभी वहाँ पर हुयांग के लिए एक पार्सल आता है। उस पार्सल को देखने के बाद हुआन फटाफट से जाता है और उस पार्सल को लेकर वहाँ पर से चला जाता है। वो जो पार्सल होता है वो किसी और से नहीं बल्कि लाउशी से ही रिलेटेड होता है और वो होता है लाउशी की हाई स्कूल से रिलेटेड सारी चीजें जो कि आज तक हुआन को बिल्कुल भी पता नहीं थी। हुआन उन सबको देख कर काफी ज्यादा खुश होता है। तो दूसरी तरफ लाउशी ये सोच रही होती है कि सुजीन को आखिरकार उसका ऐसा क्या सीक्रेट पता है जिसकी वजह से वो उसे धमका रही है। कुछ ही टाइम बाद हमें इनका हाई स्कूल का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर कि हमें पता चलता है कि लाउशी सुजीन और येन भले ही इतने अच्छे दोस्त नहीं थे लेकिन येन और सुजीन लाउशी का काफी ज्यादा ख्याल रखा करते थे। कुछ ही देर बाद सुजीन येन से मिलने के लिए जाती है जहाँ पर कि वो उसे बोलती है कि हुआन उसे पसंद नहीं करता है तो उसे उसके पीछे नहीं भागना चाहिए, बट येन उसकी एक भी बात मानने के लिए मना कर देती है और उसे ऐसा लगता है कि जो कुछ भी वो कर रही है वो बिल्कुल सही कर रही है। येन का ये एटीट्यूड देखकर सुजीन उसे बोलती है कि तुम वैसी लड़की बिल्कुल भी नहीं हो, जैसे तुम हाई स्कूल में थी, अब तुम्हारे अंदर सिर्फ मुझे लाउशी के खिलाफ जलन लगती है। सुजीन की बातें सुनकर येन उसे बोलती है कि तुम्हें जो बोलना है तुम बोलो लेकिन मैं हुआन को नहीं छोड़ूंगी और उसे तो मैं अपना बना कर ही रहूंगी। नेक्स्ट डे लाउशी जीबी से मिलने के लिए आती है लेकिन जीबी वहाँ पर नहीं होता है, वहाँ पर चैन की दोस्त होती है। तो फिर लाउशी चैन की दोस्त को यूएसबी देती है और उस यूएसबी को जीबी को देने के लिए कहती है और ऐसा ही कहकर वो वहाँ पर से चली जाती है। जब वो वहाँ पर से जा रही होती है तो उसे येन देख लेती है। तो उसके बाद येन चैन की दोस्त के पास जाती है और उससे पूछती है कि लाउशी यहाँ पर क्यों आई थी। तो चैन की दोस्त उसे सब बताती है। उसके बाद येन उससे बोलती है कि इस शो के होस्ट मैं ही हूँ, इसलिए तुम
उस यूएसबी को मुझे दे दो। और ऐसा ही कहकर वो उस यूएसबी को लेती है और वहाँ पर से चली जाती है। दूसरी तरफ लाउशी जब अपने रूम की तरफ जा रही होती है तभी उसके सामने जांग आ जाता है और वो उससे बोलता है कि आज उसका मैच है, इसलिए क्या वो उसे देखने के लिए आ सकती है। वैसे भी आज हुआन कॉलेज नहीं आया इसलिए उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जांग की बातें सुनकर लाउशी उसके साथ जाने के लिए हाँ बोल देती है। दूसरी तरफ हुआन अकेला बैठकर अपनी और लाउशी की फोटो देख रहा होता है और बस यही सोच रहा होता है कि काश अगर वो लाउशी को हाई स्कूल से जानता तो आज ये सिचुएशन नहीं होती। थोड़ी देर में लाउशी जांग का फुटबॉल मैच देखने लग जाती है। फुटबॉल मैच देखते हुए उसे अपने हाई स्कूल का सीन याद आता है जहाँ पर की हुआन भी फुटबॉल खेल रहा होता है और गलती से हुआन जब एक शॉट मारता है तो गलती से वो लाउशी के मुंह पर लग जाता है। जैसे ही ऐसा होता है तो वो भाग कर लाउशी के पास जाता है और उससे पूछता है कि उसे चोट तो नहीं लगी। लाउशी जैसे ही उसे देखती है तो वो बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और उससे बिना आंखें मिलाए वहाँ पर से भाग कर चली जाती है। उधर ही दोबारा से एक शॉट लाउशी के मुंह पर पड़ने वाली होती है तभी जांग उसे बचा लेता है। तो जैसे ही जांग उसके सामने बैठता है तो लाउशी उसे देखने लग जाती है। उसके बाद जांग उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम मुझे इस तरीके से क्यों देख रही हो, क्या मैं इतना हैंडसम लग रहा हूँ। तो लाउशी उसे बोलती है कि नहीं नहीं मैं तो तुम्हें ऐसे ही देख रही थी, बाय द वे तुम्हारा और रीलिंग का रिलेशन कैसे चल रहा है। तो जांग उससे बोलता है कि मैं तुमसे एक बात बोलना चाहता हूँ कि क्रश बनाना बहुत ही ज्यादा ईजी होता है लेकिन रिलेशन निभाना बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है। बस अब मैंने रीलिंग को कमिटमेंट दे दिया है तो आई विश कि मैं उस कमिटमेंट को पूरी भी करूँ। बाय द वे अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ पार्ट टाइम जॉब करना चाहोगी। तो लाउशी पार्ट टाइम जॉब करने के लिए हाँ बोल देती है। लाउशी की इंग्लिश काफी ज्यादा अच्छी होती है इसलिए उसे इजीली ट्रांसलेटर की जॉब मिल जाती है और नेक्स्ट डे ही वो अपनी पार्ट टाइम जॉब करने के लिए चली जाती है। पार्ट टाइम जॉब खत्म करने के बाद जैसे ही लाउशी घर जा रही होती है तो उसकी नजर एक ब्यूटीफुल से नेकलेस पर पड़ती है। उस नेकलेस को देखने के बाद लाउशी को उसी सीन की याद आने लग जाती है जब येन उसे हुआन का दिया हुआ नेकलेस दिखाती है और उससे बोलती है कि ये नेकलेस उसे हुआन ने दिया है। बेसिकली येन ये सब इसलिए करती है ताकि लाउशी को जलन हो। यही नहीं बल्कि उसे वो सीन भी याद आता है जहाँ पर की हुआन उसे येन का गिफ्ट दिया हुआ रेनकोट देता है। ये सब कुछ लाउशी के लिए सच में बहुत ही ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग था क्योंकि लाउशी ने ये कभी भी नहीं सोचा था कि इतनी छोटी सी बात का टेस्ट लेने के लिए उसका 15 साल का प्यार उसके साथ इस तरीके से बिहेव करेगा। तो जब लाउशी वहाँ पर खड़ी होती है तभी वहाँ पर हुआन भी आ जाता है और वो लाउशी को देखने लग जाता है। थोड़ी देर पे जब लाउशी वहाँ पर से चली जाती है तो हुआन भी उसका पीछा करते हुए लाउशी के ही पास चला जाता है और उससे बोलता है कि क्या हुआ तुमने आज इतने फॉर्मल कपड़े क्यों पहने। लाउशी उसे थोड़े रूडली जवाब देती है कि वो एक पार्ट टाइम जॉब कर रही है। ये बात सुनने के बाद हुआन उससे बोलता है तुम तो ट्यूशन पढ़ाती थी ना, तुम्हारे लिए उतने पैसे काफी नहीं हुए, क्या हुआ तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है। तो लाउशी उसे बोलते है कि मेरी लाइफ में कुछ भी चल रहा है इससे तुम्हें क्या मतलब है, बेहतर होगा कि तुम अपनी लाइफ पे ज्यादा फोकस करो। तो हुआन उसे बोलता है कि तुम मुझसे इस तरीके से बात क्यों कर रही हो। तो लाउशी उसका रिप्लाई करती है कि तुम्हारा जब मन चाहेगा तो तुम मुझे उस तरीके से बात कर सकते हो, कभी तुम मेरे साथ घूमने के लिए चल सकते हो लेकिन वहाँ पर से आने के बाद मुझसे बात नहीं कर सकते हो, मुझे घंटों तक इग्नोर मार सकते हो। सारी चीजें करने के बाद भी तुम मुझे ये एक्सपेक्ट करते हो कि मैं तुमसे तमीज से बात करूं। तो हुआन उसे बोलता है कि प्लीज तुम मुझे इस तरीके से बात मत करो, मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद करती हो, मुझे सारी सच्चाई पता चल चुकी है कि तुम मुझसे अभी से नहीं बल्कि हाई स्कूल से बहुत ज्यादा प्यार करती हो, मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ, मैंने कभी भी हाई स्कूल पे तुम पे ध्यान नहीं दिया। तो लाउशी उसे बोलती है कि अच्छा तो तुम्हें ये सारी बातें पता थी तभी तुमने अपनी गर्लफ्रेंड का रेनकोट लेकर आकर मुझे टेस्ट करने की सोची ना, आखिरकार तुम मुझे समझते क्या हो। ये सारी हरकत करने के लिए हुआन उससे माफी मांगता है लेकिन लाउशी उसकी एक बात भी नहीं सुनती है। तभी हुआन उसे बोलता है कि तुम मुझसे इतना ज्यादा प्यार क्यों करती हो। हुआन की बात सुनकर लाउशी को अपने बचपन के दिन की याद आ जाती है जब हुआन उसके कान के सामने आता है और उससे बोलता है कि वो उसका साथ हमेशा निभाएगा चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए। तो लाउशी उससे बोलती है कि वो उसे पूरी बात बताना जरूरी नहीं समझती है और इस तरीके से वो उसके सामने अपनी फीलिंग कन्फेस करती है और उसे बताती है कि हाँ वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करती थी लेकिन अब उसके दिल में उसके लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है। ऐसा ही कहने के बाद वो वहां पर से भागकर चली जाती है। हुआन से बात करने के बाद लाउशी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और उसके बाद वो पार्लर जाती है और वहां जाकर अपने बालों को कटवा देती है क्योंकि उसने लंबे बाल सिर्फ हुआन के लिए किए थे क्योंकि वो इस बात को अच्छे से जानती थी कि हुआन को लंबे बालों वाली लड़कियां बहुत ज्यादा पसंद है इसलिए वो अपने बालों को ही कटवा देती है ताकि उसके और हुआन के बीच में अब कुछ भी ना रहे। थोड़ी ही देर पे जैसे ही वो घर जा रही होती है तो वो बहुत ही तेज बारिश होने लग जाती है लेकिन लाउशी के दिमाग में अभी भी बस हुआन ही चल रहा होता है। बहुत तेज बारिश होने की वजह से लाउशी बारिश में बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ हुआन भी बारिश में ही बैठा होता है। इतने में ही उसकी मॉम वहां पर आ जाती है और वो हुआन को अंदर आने के लिए बोलती है लेकिन हुआन अपनी मॉम से बोलती
बोलता है कि उसे अकेले यहीं पर ही बैठना है। तभी उसकी मॉम उसे बोलती है कि उसे अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो वो उससे बात करेगी, लेकिन वो इस तरीके से बारिश में ना रहे। अपनी मॉम की बात मानकर वो अंदर चला जाता है। काफी देर तक लाउशी घर पर नहीं आती है तो बैली और जांग लाउशी को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। तभी उनकी नजर बेहोश हुई लाउशी पर पड़ती है। जैसे ही जांग उसे देखता है तो वो उसे फटाफट उठाकर हॉस्पिटल लेकर चला जाता है। कुछ ही टाइम बाद बैली लाउशी से पूछती है कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया था जो बेहोश हो गई थी। तो लाउशी उसे सारी बात बताती है कि फाइनली उसने अपनी फीलिंग कन्फेस कर दी है हुआन के सामने, लेकिन उसकी लव स्टोरी का यहीं पर ही एंड हो गया है क्योंकि आज के बाद वो कभी भी हुआन से मिलेगी नहीं। ये सारी बात जानकर बैली उसे दिलासा देती है और उनकी बातें सुन लेता है। थोड़ी देर में एमी और जैक भी लाउशी से मिलने के लिए आते हैं। उन दोनों को देखकर लाउशी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। थोड़ी देर में वो वहाँ पर चले जाते हैं और उनकी मॉम लाउशी से बात करने लग जाती है और उनसे पूछती है कि आखिरकार क्या हुआ। जो लाउशी की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई, अक्सर वो इस तरीके से बीमार नहीं पड़ती है। लाउशी ने उन्हें हुआन के बारे में पहले से ही बता रखा था, लेकिन अब वो उन्हें ये भी बताती है कि उसने फाइनली हुआन के सामने अपनी फीलिंग्स को कन्फेस कर दिया है, लेकिन उसे लगता नहीं है कि आज के बाद वो कभी भी हुआन से अपनी आंखें मिला पाएगी। वैसे भी हुआन के दिल में उसके लिए कुछ नहीं है, क्योंकि अगर हुआन उसे सच में प्यार करता तो वो कभी भी उसका इस तरीके से टेस्ट नहीं लेता और अपनी एक्स गर्लफ्रेंड का रेनकोट उसे नहीं देता। लाउशी की बातें सुनकर उन्हें बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो लाउशी को गले लगा लेती है। उसके बाद वो डिसाइड करती है कि अब वो हुआन से खुद ही जाकर बात करेंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। बाकी का ड्रामा मैं आप सभी को नेक्स्ट एपिसोड में सुनाऊंगी। तब तक के लिए बाय।